जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव लेडरा निवासी एक चिकित्सक का गांव के पास एक झाल में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर भी घटनास्थल पर पहुंच गए और जांच शुरू की। बता दें कि मृतक की शिनाख्त आकाश के रूप में हुई है, जो कि निजी चिकित्सक था। मामले की शुरुआत मंगलवार की देर रात से हुई, जब क्लिनिक बंद कर चिकित्सक आकाश पुत्र जयकरण सिंह घर के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक वो घर नहीं पहुंचा। ये हमारा लड़का है, ढूंढने से पता लगा कि जो सारे में ढूंढ रहे थे पहले गण, अब कौन सालारपुर मिला अभी, तो फिर यहाँ देखा जब सालारपुर की साइड नहीं मिला, पुलिस ने भी तहरीर दे दी, वहाँ जो लोकेशन भी फुटेज भी निकल रही है जी, यहाँ से करते फुटेज में कहीं नहीं आया। ये तो हम जब फ़ोन करते थे, जब ये जो ये लेट हो जाता था तो फ़ोन करते थे, अब जब ये जो नहीं गया 10 बजे तक, तो लास्ट टाइम इसका 10 बजे था, फिर हमने फ़ोन करने शुरू कर दी, फिर बहादुरगढ़ भी आए हैं, तो इन्होंने बहादुरगढ़ वालों ने बताया कि जी एक इसके साथ गया और इस तरह का आदमी है, छोटे कद का है, मोटा है, लाल चढ़े हुए, मेरा भाई लापता था, रास्ते 8 बजे से मिल नहीं रहा था, तो हमने थाने में रिपोर्ट लिखाई, गुमशुदा अब आप ढूंढने से मिला। काफ़ी तलाशने के बाद परिजनों को कुछ हाथ नहीं लगा और परिजनों ने मामले की जानकारी बहादुरगढ़ थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मंगलवार की रात को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर चिकित्सक की तलाश शुरू की। बुधवार शाम 6 बजे लापता चिकित्सक आकाश का शव गांव के पास एक झाल में पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया, सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने शव को झाल से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि शव के गले में रुमाल बंधा हुआ था, जबकि कमर पर चोट के निशान थे। 29/9/2021 को थाना क्षेत्र बहादुरगढ़ में पसवाड़ा के पास एक नाले के झाल में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान आकाश पुत्र राजनारायण ग्राम लैडरा थाना बहादुरगढ़ के रूप में हुई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है व अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस मामले में हर पहलू पर जाँच कर रही है। पुलिस मामले की बारीकी से जाँच कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है।